और लोगों की घास चराने में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। और आज नाश्ते में है और यहाँ के नज़ारे देखो कितने खूबसूरत, यहाँ से चारों तरफ के नज़ारे कितने खूबसूरत दिखते हैं। देखो उस साइड खूबसूरत वादियों में गर्मा गर्म चाय का एंजॉय लेते हुए देखो। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रोशन भंडारी, स्वागत प्रणाम आप सभी का एक नए वीडियो ब्लॉग में। इस वक्त दोस्तों सुबह के करीब 7 बजे हैं और मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो चुकी है। और दोस्तों मौसम की बात की जाए तो देखो धूप भी काफ़ी ऊपर आ गई है और चारों तरफ काले बादल मंडरा रहे हैं, लगता है शाम तक बारिश हो सकती है। और देखो पूरे मौसम में बादल ही बादल लगे हुए हैं। तो अभी तैयारी है आज घास लेने के लिए, क्योंकि आज घास रखना बहुत ज़रूरी है, अगर बारिश होगी तो घास सूखा हुआ है पूरा भीग जाएगा। तो अभी नाश्ता करते हैं और उसके बाद चलते हैं घास लेने के लिए। और आज नाश्ते में है केला का रायता और हरी सब्जी और मंडुवे की रोटी, मेरी फेवरेट। और अभी नाश्ता करते हैं उसके बाद चलते हैं खेतों की तरफ। गुन्नू, और लोगों की घास चराने में जोरों शोरों से लगे हुए हैं और मैं भी चलता हूँ। यहाँ पर बंदर आए हुए हैं नीचे, तो पहले बंदरों को भगाते हैं उसके बाद होगा कुछ काम। यहाँ पर देखे बंदर कितने सारे आ रखे, यहाँ पर देखे बंदरों की इतनी आतंक बने हुई है ना, यहाँ पर पूरे केले के पेड़ खा गए हो वो। देखो कितने सारे बंदर हैं यहाँ पर, इन बंदरों ने ना इतनी आतंक फैला रखी है ना, पूरे यहाँ पर केलों के पेड़ को तोड़ ताड़ के सब कुछ। यहाँ पर अमरूद के पेड़ थे, अमरूद में भी चढ़े हुए थे, कद्दू भी लगे हुए सब ले गए। देखो यहाँ पर इन्हें भी खा गए, देखो भाई घर में आके खा जा रहे, देखो कद्दू भी खा गए वो भाग रहे सारे इतने, डर भी नहीं रहे भाई। आप पहले तो इतना रहता था कि डर जाते थे, अब देखो कितने डर भी नहीं रहे, उल्टा मारने के लिए तो आएंगे। इतने सारे बंदरों ने आतंक फैला रखे ना भाई साहब, कुछ दिनों से यहाँ पर बहुत दिख रहे थे और कुछ दिन नहीं दिख रहे थे, फिर से दिखने लग गए। खैर अब मैं भी चलता हूँ घास लेने के लिए। फाइनली मैं खेत में पहुँच चुका हूँ और देखो मैंने जैकेट भी पहन लिया है, इसमें कुमार एक भी नहीं लगते। और घास के लिए ये वाला घास है, ये ले जाना है घर। और जो मैंने इस पर कुमार बताए थे ना, इस पर तो नहीं है। और यहाँ पर देखो भाभी भी पहुँच चुकी है खेत में घास लेने के लिए। और आसमान में देखो बादल किस प्रकार से लगे हुए हैं, काफी सुंदर लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि बर्फ पड़ी हो। किस प्रकार का सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है, हल्की हल्की बादल, फटे हुए बादल लगे हुए हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है देख सकते हो आप। बाहर रेडी हो गए हैं, सिर पे ले जाते हैं, इसे गोडोला बोलते हैं और इसे बहुत ज़्यादा टाइट करना पड़ता है क्योंकि यह खुल सकता है ना, उसमें सिर में तो खुल जाते हैं, तो इस कारण इसे बहुत टाइट करना पड़ता है। वाह कितना सा है देखो, ऐसे ही हिलना। पहले दोस्तों पहुँच चुके हैं और यहाँ पर ये साले पेड़ पर हमें घास लगाना है, तो अभी यहाँ पर रखते हैं इसे। इस प्रकार से और यहाँ से स्पीड में देना है वो लगाने के लिए। तो अभी फिलहाल अभी तो बहुत हैं, 2-4 खेत हैं, कॉलर के भी ऐसी तैसी होगी, 2-4 खेत हैं उसके बाद कंप्लीट हो जाते हैं। तो अभी देखो भाभी भी आ गई है वहाँ पर से, डॉगी। समय करीब 11 बजने को है और इस वक्त अभी घास भी ले लिया है और अभी एक बार और बज गया है वहाँ पर। और अभी भैंसों को अंदर बांधते हैं, धूप भी काफ़ी तेज़ होने लग गई देखो, और इस साइड से तो मौसम खुलने लग गया है। बाकी अभी भैंसों को अंदर बांधते हैं,
पानी हानी पिला के, और गाय और बैल तो ग्वाला चलेंगे चरने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर पानी खोल देता हूँ भैंसों के लिए, बढ़िया से नहलाते हैं भैंसों को और उसके बाद अंदर बांध देते हैं और उसके बाद चलते हैं बैलों को ग्वाला भेजने के लिए। तो यहाँ पर पानी की वजह से कोई कमी होती नहीं है, यहीं पर इसे पानी खोलना है और यहाँ पर भर जाते हैं। तो अभी पानी पिलाते हैं पहले। भैंस भी अंदर बांध लिए हैं, अब इन्हें ग्वाला ले जाने का ले जाते हैं, इन्हें चराने के लिए छोड़ देंगे फिर। ये है गाय और ये है दो बैल, काफ़ी बूढ़े हो गए हैं और हाल अभी भी दमदार लगाते हैं, क्या ही बताना है। पर इतना घास यहाँ पर मैंने ले लिया है, यहाँ पे ऊपर पूरा काफ़ी आफत निकल गई है, देख सकते हो पसीना पसीना हो गया है। काफ़ी पहाड़ों में ना काम करना कोई आसान बात नहीं है, काफ़ी मुश्किल भरे हैं। अभी करीब समय 12:30 होने वाले हैं और धूप देखो कितनी ऊपर पहुंच चुकी है। और अभी मैं लास्ट है, इसके बाद अब लंच करने चलते हैं घर। तो अभी इसे खोल देते हैं और लंच के बाद यहाँ पर ये घास पूरा ये वाले पेड़ में लगा देना है। तो मिलते हैं आगे। भाई बहन यहाँ पर खेल रहे हैं और मैं भी पहुँच चुका हूँ घर में फाइनली, और अभी लंच करते हैं। दोस्तों अभी दिन के करीब 2:30 बजने को है और मेरी तैयारी हो गई है लकड़ियों को लेने के लिए, और गांव में किसी की शादी है तो उनके शादी में खाना बनाने के लिए जो लकड़ियाँ उपयोग होती हैं उसे लेने के लिए, और उन सभी गाँव वाले जाते हैं। ये हेल्प है एक छोटी सी गाँव वालों की तरफ से, तो मैं भी अभी वहीं जा रहा हूं लकड़ी लेने के लिए, और उन्होंने पेड़ गिराया होगा तो उन्हीं वही इसका व्यवस्था करते हैं, हमने सिर्फ वहां से घर तक लेना है। तो अभी तैयारी है वहीं जाने की। तो यही होता है पहाड़ों में, एक काम से छूटे नहीं तो दूसरा काम शुरू हो जाता है। तो अभी वहीं जा रही हूँ, वहीं जा रहा हूँ मैं। अभी मैं फाइनली पहुंच चुका हूं जहां से लकड़ी लेने हैं, और यहां पर देखो कुछ इस प्रकार से यहां पर हैं ये संतोष भाई और ये बलवंत भाई लगे हुए हैं लकड़ी फाड़ने पे। यहाँ पर ये लोग यहाँ पर थके हुए हैं और रेस्ट कर रहे हैं, और अब इनकी बारी है काम पे, और इसके बाद ये लोग बैठेंगे और फिर ये लोग काट फाड़ने शुरू हो जाएंगे। तो अभी यहाँ से मैं भी संतोष और बोलने लगे हैं, मैं भी यहाँ पर से लगाता हूँ रस्सी पे, और यहाँ से निकलते हैं अब घर की तरफ। यहाँ से लकड़ियाँ लेके घर जा रहे हैं, और वहाँ पर है सामने जहाँ पर धूप लगी हुई है, ये है हमारा गांव। ये है जो कि मेरे साथ आ रखे हैं लकड़ी लेकर, ये चल रहे हैं आगे से, और ऊपर से भी हैं कुछ 2-3। तो अभी थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर का रास्ता है, ज़्यादा नहीं, तो चलते हैं। पहुंच चुका हूं जहां पर लकड़ी रखने हैं वहां पर। कौन रखनी हो, कौन रखनी हो? ओ फेंक दो नीचे,
और यहाँ पर रख दिए हैं फैने लकड़ी, और काफ़ी गर्मी हो रही है तो जैकेट भी उतार लेते हैं एक बार। उसके बाद गांव के लोग सामाजिक कार्य में ऐसी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मदद हो सकती है सभी लोग अपने तरफ से लगे रहते हैं। तो अभी सभी लोग आज लकड़ी ले रहे हैं और यहाँ के नज़ारे देखो कितने खूबसूरत, वह यहाँ से चारों तरफ के नज़ारे कितने खूबसूरत दिखते हैं। देखो उस साइड बिंदेश्वर महादेव जहाँ बादल लगे हुए हैं, और इस साइड है कुमाऊँ क्षेत्र, नीचे की साइड पूरे कुमाऊँ के क्षेत्र हैं, और यहाँ से लेके आए हम लकड़ियों को। तो यहाँ पर अभी थोड़े से चाय पीते हैं, उसके बाद चलते हैं। अभी हालत भी काफ़ी डाउन हो गई है यहाँ पर। खूबसूरत वादियों में गर्मा गर्म चाय का एंजॉय लेते हुए देखो कितनी खूबसूरत वादियों से यहाँ पर अभी गर्मा गर्म चाय का आनंद लेता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक खूबसूरत ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।